सन 1565 मुस्लिम शासकों द्वारा भारत पर काबिज हुए लगभग 600 साल बीत चुके थे। उत्तर में मुगलों के नाम से सुन्नी तो मध्य में शाहों के नाम से शिया राज कर रहे थे। दक्षिण में विजयनगर आखिरी हिंदवी साम्राज्य था। इसकी समाप्ति के साथ ही संपूर्ण भारत मुस्लिम साम्राज्य होने वाला था। 15 जनवरी 1565 को मुस्लिम शासकों द्वारा विजयनगर के अंतिम सम्राट राजा रामराय की गर्दन का सूली पर चढ़ा दी गई और इसी के साथ हुई हिंदवी साम्राज्य की संपूर्ण समाप्ति की घोषणा। पर फिर भारत को बेबीलोन की तरह किताबों के पन्नों से गुम होने से कैसे बचाया गया, कैसे एक मृत कर दी गई सभ्यता फिर जीवित हुई। इस कहानी की शुरुआत हुई सन 1645 महाराष्ट्र के रायरेश्वर मंदिर से। एक 16 वर्ष के बालक द्वारा शिवलिंग पर अपना खून चढ़ा हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली गई। इस पराक्रमी बालक का नाम था शिवाजी राजे भोसले। केवल 16 वर्ष के इस बालक ने 2000 की सेना के साथ विश्व की सबसे बड़ी सल्तनत को चुनौती दे डाली। एक एक कर वो मुगलों व शाहों के किले जीतने लगा। सन 1659 में मुस्लिम जगत के सबसे खूंखार सिपे सलार अफजल खां को शिवाजी से निपटने के लिए भेजा गया। कहा जाता है कि शिवाजी पर आक्रमण की शुरुआत जल्लाद अफजल खान ने अपनी 40 रानियों के कत्ल से की थी, लेकिन शिवाजी की चतुराई के सामने अफजल खान की बेरहमी भी काम ना आ सकी। स्वयं को अफजल खान से डरा हुआ बताकर शिवाजी ने उसके सामने संधि का प्रस्ताव रख दिया। अहंकार में मदहोश अफजल खान चंद सैनिकों के साथ संधि करने शिवाजी के किले में दाखिल हो गया। शिवाजी ऐसा मौका चूकने वालों में से न थे। शिवाजी द्वारा अफजल खां का अंत कर मुस्लिम सल्तनत को बड़ी मात दे दी गई। इसके बाद कोल्हापुर, पवनखिल, उम्बेरखिल, चाकन, कल्याण, सिंहगढ़, पुरंदर और पुणे जैसे दर्जनों युद्धों में शिवाजी द्वारा मुस्लिम सल्तनत की जड़ें हिला दी। शिवाजी को रोकना नामुमकिन सा हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो दक्षिण में विजयनगर का हिंदवी राज फिर से जन्म ले रहा हो। पर औरंगजेब भी जोश में होश खोने वालों में से नहीं था। कुछ दिन के धैर्य के बाद उसने एक दिलचस्प दांव खेला। अपने अधीन हिंदू राजा जय सिंह को उसने शिवाजी के मुकाबले में खड़ा कर दिया। हिंदवी स्वराज्य की कामना करने वाला शिवाजी हिंदू राजा पर वार नहीं कर पाएगा। औरंगजेब ये बात भली भांति जानता था और ऐसा ही हुआ। शिवाजी को पहली बार पीछे हटना पड़ा। जीते हुए 35 में से 23 किले मुगल सल्तनत को वापस करने पड़े। एक बार फिर भारत भूमि के किसी योद्धा को अपनों के ही कारण परास्त होना पड़ा। इसके बाद शिवाजी ने एक हैरान कर देने वाला निर्णय लिया। उन्होंने औरंगजेब को एक पत्र लिख उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ा दिया। सब स्तब्ध रह गए। शिवाजी इस दांव से क्या हासिल करना चाहते थे किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था। शिवाजी को झुका हुआ देख औरंगजेब काफी प्रसन्न हुआ। मुगलों से हाथ मिला शिवाजी द्वारा दक्कन की शिया सल्तनतों को जीता जाने लगा। संपूर्ण भारत को मुगल शासन के अधीन देखने का इच्छुक औरंगजेब शिवाजी की कुशल रणनीति से बेखबर था और
दक्कन में शिवाजी की इन जीतों को अपनी जीत समझ रहा था। और आखिर एक दिन 6 जून 1674 में शिवाजी ने 50,000 से अधिक ब्राह्मणों, पुरोहितों, क्षत्रिय राजाओं व व्यापारियों को एक भव्य समारोह में एकत्र किया। सबके सामने वेद मंत्र उच्चारण के बीच शिवाजी ने स्वयं को छत्रपति घोषित कर दिया। हिंदवी सल्तनत अब एक स्वतंत्र सल्तनत ऐलान की जा चुकी थी। औरंगजेब क्रोध से बौखला उठा। शिवाजी द्वारा एक अलग सल्तनत की घोषणा सीधी मुगल साम्राज्य को बड़ी चुनौती थी, पर अब बहुत देर हो चुकी। औरंगजेब के साथ संधि की आड़ में शिवाजी द्वारा अपार शक्ति इकट्ठी की जा चुकी थी। सैकड़ों किलों को फतेह कर हिंदवी सल्तनत का प्रभाव पूरे दक्षिण भारत में फैला दिया गया था और अब उत्तर के मुगल साम्राज्य से निपटने का समय था। लेकिन एक दिन 3 अप्रैल 1680 को अचानक शिवाजी की मृत्यु की खबर आई। सभी की धड़कने रुक सी गई, समय थम सा गया। निकटतम लोगों द्वारा उनकी मृत्यु का कारण तेज बुखार बताया जा रहा था। एक बार तो आजाद भारत का सपना चकनाचूर होता दिखने लगा, पर इसके विपरीत शिवाजी द्वारा सुलगाई राष्ट्र प्रेम की आग उनकी मृत्यु के बाद और भी तीव्र हो उठी। बाजीराव पेशवा, रानोजी सिंधिया, मलहर राव होलकर, रघुजी भोसले, दामाजी गायकवाड, महदाजी शिंदे, दत्ताजी राव, धन्नाजी जाधव जैसे एक से एक राष्ट्रभक्त हिंदवी साम्राज्य से पैदा होने लगे। देखते ही देखते बुंदेलखंड, गुजरात, अजमेर, बेरार, मुल्तान, अवध, आगरा, अलाहाबाद, लाहौर एक के बाद एक सभी मुगल राज्य गिरते चले गए। 1760 तक मुगल सल्तनत सिर्फ दिल्ली के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई। उत्तर में पेशावर से लेकर दक्षिण में पौंडेचेरी तक हिंदवी स्वराज्य का परचम फैल गया। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी द्वारा भारत की सभ्यता को बेबीलोन की तरह किताबों से गुम होने से बचा लिया।